अगर आप कुवैत आने वाले हैं या आपके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपको क्या काम सीख के आना चाहिए जिसमें आपको अच्छी सैलरी, अच्छा काम मिले, आपको धूप में ना जाना पड़े, अच्छी फैसिलिटीज़ मिले, तो आपको कौन सा काम सीखना चाहिए? आज आपको उसी के बारे में बताएंगे। आज आपको कुछ ऐसे काम के बारे में बताएंगे, अगर आप इसमें से कोई भी एक काम सीख के आते हैं तो आपको कुवैत में अच्छी सैलरी, अच्छा काम मिलेगा और आपको धूप में नहीं जाना पड़ेगा। तो आप कुवैत आने की सोच रहे हैं एज ए फ्रेशर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में घंटी के बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वर्कर से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पहला काम है इसके लिए थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश आना चाहिए, तभी ये काम आप सीख सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। तो पहला काम है कंप्यूटर का। कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास कोई डिप्लोमा है या डाटा एंट्री का काम आप अच्छे से जानते हैं तो ये काम सीख लीजिए। अगर आप इसमें मतलब इंटरेस्टेड हैं, ये काम सीखना चाहते हैं, तो कंप्यूटर काम सीख के कुवैत आप आ सकते हैं। ऑफिशियल काम है, अच्छी सैलरी इसमें मिल जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर काम बहुत ही बेटर, यहाँ पर आपको इसकी मतलब ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है। ये बहुत ही मतलब इजीली ये जॉब मिल जाती है, कंप्यूटर का हो गया। दूसरा जॉब है कार मैकेनिक का। अगर आप कार मैकेनिक का काम सीखना चाहते हैं, ये भी बहुत ही बेटर काम है, आपको धूप में नहीं जाना पड़ेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी और यहाँ पे इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा कारें हैं कि यहाँ पे कोई मतलब टू व्हीलर से नहीं जाता, यानी बाइक से नहीं जाता है कहीं पे। यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है तो यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा फोर व्हीलर से लोग जाते हैं, टू व्हीलर से यहाँ पे ज़्यादा डिलीवरी वाले काम करते हैं। तो अगर आप कार मैकेनिक का काम सीख लेते हैं तो ये भी आपके लिए बेटर है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी सीखिए, बहुत सारे काम आपको आप बताएँगे। और तीसरा काम है डीजल मैकेनिक का। अगर आप डीजल मैकेनिक का काम सीख लेते हैं तो ये भी बहुत बेटर काम है, ठीक है। इसका भी बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर व्हीलर गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रक हैं, तो ये भी बहुत बेटर काम है। अगर आप डीजल मैकेनिक का काम सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो ये भी सीख सकते हैं। इसमें आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी, धूप में नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 53-55 टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ती है। यहाँ पे बहुत हल्का फुल्का ठंड पड़ती है, वो भी 2 महीने के लिए, नवम्बर और दिसंबर में, ठीक है। चौथा काम है टेलर का। टेलर का यानी जैसे वो जो सिलाई का काम करते हैं कपड़ा का, वो भी काम बहुत अच्छा है, यहाँ पे इजीली उनको मिल जाता है, यहाँ पे अरबी के घर में मिल जाता है, नहीं तो अदरवाइज अपना यहाँ पे खुद शॉप खोल सकते हैं। अगर खोलना चाहते हैं, अपना दुकान खोल सकते हैं लाइसेंस लेके, तो इसमें भी अच्छी कमाई हो जाती है। ये भी धूप में नहीं जाने के लिए मतलब धूप में नहीं जाना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी है, तो टेलर का काम बहुत अच्छा है। पाँचवा काम है हेयर कटिंग का। अगर आप हेयर कटिंग यानी कि बाल कटिंग का आपको पता है, ये काम अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये भी सीख लीजिए। यहाँ पे आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी, यहाँ पे ये भी जो बहुत इजीली मिल जाती है, नहीं तो अगर आप यहाँ पे अपना शॉप खोलना चाहते हैं, यहाँ पे अपना शॉप भी खोल सकते हैं, तो ये बहुत काम अच्छा है हेयर कटिंग का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है। अगर आपको कंपनी में भी आते हैं, अगर आपके पास मतलब हेयर कटिंग का टैलेंट है, तो आप अपने कैंप में ही बाल काट सकते हैं। उसमें से आपको 1 क्रेडिट 2 क्रेडिट एक्स्ट्रा मिल जाता है, बाल काटते हैं छुट्टी के दिन, ठीक है, नहीं तो ओवर टाइम में बाल काट देते हैं अपने मतलब जो भी आपके कैंप में आदमी लोग रहते हैं। इसमें आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी हेयर कटिंग का। छठवां काम है पेंटर। पेंटर में एक स्प्रे पेंटर हो गया, वॉल पेंटर हो गया, क्योंकि यहाँ पे वॉल पेंटर और स्प्रे पेंटर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें बनती है, आप लोगों को तो पता होगा, तो बगैर पेंटिंग का कोई बिल्डिंग यहाँ पे रहती नहीं है, तो यहाँ पे हमेशा पेंटर का डिमांड रहता है। तो अगर आप पेंटिंग का काम सीख लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही बेटर काम है पेंटर का, चाहे स्प्रे पेंटर हो या पेंटर हो, वॉल पेंटर हो। 6 नंबर हो गया। 7 नंबर का है इलेक्ट्रिक का। तो इलेक्ट्रिक का तो मैं कई वीडियो में बताऊँगा, ऑलरेडी फिर एक बार आपसे रिव्यू कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक का काम अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये भी बहुत बेटर काम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है। आज़ाद वीजा पे यहाँ पे आप महीने की इंडिया के लाखों रुपया कमा सकते हैं अगर आपके पास टैलेंट है तो। इलेक्ट्रिक का काम हो गया। 8वां काम है BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर का। इसमें ये सब जॉब करने के लिए ज़्यादा आपको एजुकेशन नहीं चाहिए, आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आ रहा है तो भी चलेगा। अगर आप BMS का काम सीखना चाहते हैं एज ए टेक्नीशियन, एज ए ऑपरेटर, तो ये भी बहुत अच्छा काम है। यहाँ पे बगैर BMS का कोई बिल्डिंग नहीं रहती है, आप लोगों को पता है, क्योंकि इसका फुल नेम होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसके बगैर कोई बिल्डिंग यहाँ पे पूरी नहीं होती, अधूरी रह जाती है। तो BMS टेक्नीशियन का काम बहुत अच्छा है, BMS ऑपरेटर का काम बहुत अच्छा है। अगर आप ये लोग मतलब BMS काम सीखना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत बेटर है। 9वां काम है लिफ्ट टेक्नीशियन का। लिफ्ट टेक्नीशियन का यहाँ पे मतलब ऑलरेडी मैं कई वीडियो में बताऊँ, फिर एक बार आपसे रिव्यू कर रहा हूँ। लिफ्ट टेक्नीशियन का अगर आप काम सीख लेते हैं तो ये भी के आपके लिए बहुत ही बेटर है, क्योंकि यहाँ पे
काफ़ी ज़्यादा उनकी डिमांड है लिफ्ट टेक्नीसियन की। यहाँ पे बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती हैं तो हमेशा लिफ्ट का काम होता रहता है। आज़ाद बीजेपी यहाँ पे लोग 300-400 दिनार कमाते हैं, ठीक है, यानी कि इंडिया का 1.5 लाख रुपया कमाते हैं लिफ्ट टेक्नीसियन का। ये भी बहुत अच्छा काम है। 10 नंबर है JCB ऑपरेटर का। अगर आप JCB सीखना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा काम है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी सीखिए, मेरे कहने से मत सीखिएगा। अगर आपका मन लगता है इसमें सीखने के लिए, आपका माइंड काम करता है, तभी आप सीखिएगा। इसको सीखने के लिए आपको 4-5 साल नहीं लगेगा, आप साल भर में अच्छे से सीख सकते हैं अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है सिखाने वाला। तो इसकी भी बहुत काफ़ी यहाँ पर डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम, रोड का काम काफ़ी मतलब ज़्यादा होता है। तो ये भी इजीली आपको जो मिल जाती है JCB ऑपरेटर का, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा काम है JCB ऑपरेटर। आप महीने के इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आपको धूप में नहीं जाना पड़ेगा। JCB के अंदर खुद ऑलरेडी AC चलती रहती है। तो ये भी बहुत अच्छा काम है JCB ऑपरेटर का। 11वां नंबर है क्रेन का। क्रेन में जैसे टावल क्रेन हो गया, मोबाइल क्रेन हो गया, ऐसे और क्रेन है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो क्रेन का भी काम सीख सकते हैं। ये भी बहुत बेटर काम है, इसकी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। अगर आप क्रेन का काम सीखना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत बेटर। इसमें आप महीने के इंडिया के 1.5 लाख रुपये कमा सकते हैं। अगर आप 6 टन का क्रेन चलाते हैं मोबाइल क्रेन, अगर आप 70 टन 100 टन का चलाते हैं तो उसमें आपको 40-50 हज़ार सैलरी मिल जाएगा। टावर क्रेन चलाते हैं तो उसमें आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। ये काम हो गया 11वां नंबर का। 12वां नंबर है फिनिशिंग कारपेंटर। फिनिशिंग कारपेंटर का मतलब आप लोग नहीं समझ रहे होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ। फिनिशिंग कारपेंटर का मतलब होता है कि जैसे कहीं पर कोई मतलब काम हुआ है, वहाँ पे कोई फॉल्ट है या टूटा हुआ है, पूरा फिनिश काम है, उसमें कुछ टूटा हुआ है, उसको मतलब अच्छे से लेबल करना, उसको मतलब मिला देना है, ठीक है, उसको मतलब सही करने का, वही फिनिशिंग कारपेंटर होते हैं, ठीक है। और एक फिनिशिंग कारपेंटर होते हैं जैसे डोर अगर कोई मतलब टूटा होता है, इसमें ऊपर सरमाइका लगता है, तो सरमाइका कोई टूट गया तो सरमाइकों को मतलब मिलाना पड़ता है कि उसमें दागी ना पड़े, मतलब पता ना चले कि इसमें मतलब ज्वाइंट है अलग से, तो वो भी एक फिनिशिंग कारपेंटर ही होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा काम है फिनिशिंग कारपेंटर का। और एक 13वां नंबर है डू टेक्नीशियन का। डू टेक्नीशियन मतलब BMS का काम उसमें होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी दरवाजे होते हैं, डोर होते हैं, वो सब सेंसर सिस्टम होते हैं, सब सेंसराइज होते हैं, ठीक है। आपको सेंसर से डोर खुलेगा, सेंसर से जब तक आप अपना कार्ड नहीं दिखाएंगे तब तक वो डोर नहीं खुलेगा, ठीक है। अगर आप डोर टेक्नीशियन का काम सीख लेते हैं, ये भी अपने ज़्यादातर अपने इंडिया में सब होता है काम, अब बांग्लादेश में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, ठीक है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो ये काम सीख सकते हैं डोर टेक्नीशियन का। और 14वां काम है बहुत बेटर काम है, क्योंकि यहाँ पे इसके बगैर यहाँ पे कोई नहीं रह सकता। यहाँ पे समझ लीजिए कि ये कंट्री नहीं बच पाएगा अगर ये नहीं रहेगा तो, यहाँ पे इतनी चोरी चमारी होगी। वो काम है CCTV कैमरा का। यहाँ पे CCTV कैमरा का चप्पे पे CCTV कैमरा का काम होता है, यहाँ पे लगे हुए होते हैं, क्योंकि इसको भगवान की आँख कहा जाता है CCTV कैमरा का। जो किसी से नहीं मिलता वो CCTV कैमरा खोजता है, तो यहाँ पे चप्पे पे आपको CCTV कैमरा का मतलब मिल जाएगा। ये काम बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है। अगर आप CCTV कैमरा का काम सीखना चाहते हैं तो ये भी सीख लीजिए, बहुत ही बेटर काम है, ठीक है। 15वां नंबर काम है डक्टमैन का। डक्टिंग का आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डक्टिंग का काम होता है। अगर डक्टिंग का काम यहाँ पे जैसे चलता नहीं, AHU बराबर जो डक्ट लगता है AHU, वो डक्टिंग का काम ही होता है। हमारे पीछे आप लोगों को डक्टिंग दिखाई दे रहा होगा, भी पीछे डक्ट लगा हुआ है। अपने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ये काम होता है डक्टिंग का। तो अगर ये सब काम अगर आप लोग सीख लेते हैं, मैं 15 काम आपको बताया, अगर आप इसमें से कोई भी एक काम सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग सीख लीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको कहीं धूप में नहीं जाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि और दोस्तों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिले। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ।